स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो सीरीज में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। दरअसल जल्द ही इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को बंगलुरु के UR Rao सैटेलाइट सेंटर में बनाया गया है। ध्यान रहे, इसे 7 पेलोड के साथ PSLV का उपयोग करके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। अब अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो सूर्य की कोरोना, सूर्य के प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, सौर उत्सर्जन, सौर हवाएं और ज्वालाएं, कोरोनल मास इंजेक्शन का अध्ययन करना, साथ ही सूर्य की 24 घंटे इमेजिंग करना है। इसके 7 पेलोड इस प्रकार है: सौर परावैगनी टेलीस्कोप, सौर निम्न ऊर्जा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सौर पवन कण का प्रयोग आदि। आपको स्पष्ट करा दें, इस मिशन को इसरो द्वारा L1 कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, पृथ्वी के लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है। वैसे यह L1 है क्या, तो बताते चलें, L1 मतलब लैग्रेंज पॉइंट 1 है, जो कि पृथ्वी सूर्य पिंडाली के कक्षीय तल में 5 बिंदुओं में से एक है। लैग्रेंज पॉइंट का आशय अंतरिक्ष में उन बिंदुओं से होता है जहां दो अंतरिक्ष निकायों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि लैग्रेंज पॉइंट पर एक खगोल निकाय के गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव दूसरे निकाय के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को समाप्त कर देता है। ऐसे में लैग्रेंज पॉइंट पर रखी गई कोई भी चीज पृथ्वी और सूर्य के ओर समान रूप से खींचेगी और सूर्य के चार ओर पृथ्वी के साथ घूमेगी। आपको यह वीडियो सीरीज कैसी लगी? आप HP सोलंकी स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।